Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर आज की टॉप 20 खबरों के लिए. मैं हूं आपके साथ रत्नाकर. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चेंबर में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है. बैठक में संसद सत्र से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई है. साइक्लोन मिचोंग का आज दोपहर 12 से 1 के बीच आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में लैंडफॉल होगा. इसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा. आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट है. आज दिन भर बारिश होगी. चेन्नई में अब बारिश कम हो चुके हैं. आज रात तक साइक्लोन का असर खत्म हो जाएगा. 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया की बैठक पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह बैठक जल्दबाजी में नहीं बुलाई गई है. चुनाव के नतीजे आने से पहले बैठक का आयोजन किया गया था. सभी को जानकारी भी इस बाबत दी गई थी. खड़गे जी से पहले पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हमसे संपर्क किया था. कल उद्धव ठाकरे भी बैठक के लिए पहुंच रहे हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया कि भारत में फरवरी 2024 में सामाजिक विकास के लिए 62वें संयुक्त राष्ट्र आयोग की तैयारी में एक व्यावहारिक सदस्य राज्य ब्रीफिंग का नेतृत्व किया. साथ मिलकर हमारा लक्ष्य. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया है कि भारत ने फरवरी 2024 में सामाजिक विकास के लिए 62वें संयुक्त राष्ट्र आयोग की तैयारी में एक व्यावहारिक सदस्य राज्य ब्रीफिंग का नेतृत्व किया. साथ मिलकर हमारा लक्ष्य अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है. इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है. यह आज आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाले अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है. रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का मामला ईडी में. लालू प्रसाद यादव के एसोसिएट अमित कात्याल की आज ईडी कस्टडी खत्म हो रही है. उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा. अमित कात्याल की कंपनी AK इन्फोसिस्टम के जरिए ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई. उसको 11 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. तूफान मिचोंग ने तमिलनाडु में तबाही मचा दी है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राजधानी चेन्नई समेत दूसरे शहरों का बुरा हाल है. निचले इलाकों के साथ ही पॉश इलाकों में भी कई इंच तक पानी भर गया है. चेन्नई में बारिश ने 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वही बारिश के चलते 8 लोगों की मौत हो गई है. CIDFM दिनेश फडणवीस को लेकर बेहद दुखद खबर आ रही है. अस्पताल में चल रहे इलाज के बीच उनका निधन हो गया है. बता दें कि उनके कोस्टार दयानंद शेट्टी ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया है कि दिनेश को बीती रात डॉक्टरों की टीम ने वेंटिलेटर से हटा दिया था. उनकी हालत काफी गंभीर थी. इसके बाद 12 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली. राखी गुलजार ने अपनी अदायगी से हिंदी सिनेमा को तमाम हिट फिल्मों से नवाजा है. लेकिन सिल्वर स्क्रीन को रोशन करने वाले इस एक्ट्रेस ने सालों से सिनेमा से दूरी बना ली थी. अब राखी अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे रही है. जी हाँ, जल्द ही वो फिल्मों में अपना कमबैक कर रही हैं. बता दें कि एक्ट्रेस हिंदी नहीं बल्कि बंगाली फिल्मों में नजर आएगी. रणबीर कपूर की एनिमल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 दिनों के अंदर ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. बुरहानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा को BJP की अर्चना दीदी ने 31,000 वोटों से हरा दिया. हार के बाद शेरा खुद को रोक नहीं पाए और भावुक होकर रो पड़े. कांग्रेस प्रत्याशी को 69,226 वोट मिले जबकि BJP की अर्चना दीदी को 1,03,97 वोट मिले हैं. राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बालमुकुंद आचार्य चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं. बालमुकुंद आचार्य फोन पर एक अधिकारी से कह रहे हैं कि खुले में बिकने वाले नॉनवेज को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए. साल 2015 से वायुसेना के अधिकारी रही मनीषा पाढ़ी ने देश की पहली महिला ADC बनकर इतिहास अपने नाम कर दिया है. राज्यपाल ने इस मौके पर खुशी जताई और महिला सशक्तिकरण का समर्थन जारी रखने की आशा की है. मनीषा का परिवार भुवनेश्वर में रहता है. BJP नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर की चोटवाड़ा सीट से चुनाव में जीत दर्ज की है. उन्होंने माफियाओं को आगाह किया है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि माफियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और नाश्ते में उन्हें खाएंगे. उनका यह बयान काफी वायरल हो रहा है. अक्षरधाम मंदिर न्यूजर्सी के रॉबिन्सविले शहर में स्थित है और यह भारत के बाहर आधुनिक युग का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है. यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के भीतर बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी कि
BAPS नामक धार्मिक और नागरिक संघ द्वारा निर्मित कई मंदिरों में से एक है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को सीएम बनाए जाने की बात सामने आने के बाद ही पार्टी नेताओं में घमासान शुरू हो गया है। मंत्री और स्पीकर सहित विभिन्न पदों पर विधायकों की दावेदारी से मामला उलझ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी लीड करेगी जबकि कांग्रेस सहयोगी पार्टी होगी। इंडिया गठबंधन ही थर्ड फ्रंट है और थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। उमर का कहना है कि उसके पिता की जान को खतरा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।